जिला सोलन के शामरोड पंचायत में किसानों की सुविधा को देखते हुए ICSW के तहत बने किसान उत्पादक संघ द सोलन अनारदाना और फल एवं फूल प्रोसेसिंग सोसाइटी की ओर से एक आउटलेट खोला गया है, जिसका शुभारंभ DDM नाबार्ड रविंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर शामरोड व नौणी पंचायत के किसानों के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों व सोसाइटी के उप प्रधान सहित ICSW की स्टेट प्रेसिडेंट भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस आउटलेट के खुलने से न सिर्फ नौणी व शामरोड पंचायत के किसानों को लाभ पहुंचेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचेगा। इस आउटलेट के खुलने से किसानों को एक छत के नीचे न सिर्फ खाद, बीज व कैटल फीड उपलब्ध होगी, बल्कि आने वाले दिनों में सोसाइटी द्वारा किसानों के उत्पाद जैसे टमाटर, शिमला मिर्च आदि को प्रोसेस कर APMC को बेचे जाने की योजना बनाई जा रही है। DDM नाबार्ड रविंद्र सिंह ने बताया कि ICSW के तहत बने किसान उत्पादक संघ द सोलन अनारदाना और फल एवं फूल प्रोसेसिंग सोसाइटी की ओर से एक आउटलेट खोला गया है। इस आउटलेट के खुलने से किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज और कैटल फीड उपलब्ध होगी, बल्कि आने वाले दिनों में सोसाइटी द्वारा किसानों के उत्पादों को भी प्रोसेस करके APMC को बेचा जाएगा। आज ICSW के माध्यम से बने हमारे किसान उत्पादक संघ दी सोलन अनारदाना और फल एवं फूल प्रोसेसिंग लिमिटेड सोसाइटी के आज आउटलेट का उद्घाटन हुआ। इसमें आज हमारे नौनी गांव के और साथ में समरोर पंचायत के जितने भी किसानों को एक नए संगठन के आउटलेट का जो शुरुआत हुई है, उसमें उन्हें अपने सभी उत्पाद जैसे खाद है, बीज है और साथ में कैटल फीड है वो उपलब्ध रहेगी। और साथ के इसमें अपने जितने भी उत्पादन करेंगे या अपना टमाटर का और साथ में शिमला मिर्च का, उन सबको संगठित करके प्रोसेसिंग करके APMC में भी बेचने का काम की शुरुआत आने वाले समय में करेंगे। इन सब ने आज एक बड़ी शुरुआत की है, जो आने वाले समय में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बहुत बड़े मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। और सभी आने वाले किसानों के आने वाले समय में कम से कम 2022 जो हमारा उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का कि किसानों की आय दुगना हो, इसमें ये बहुत बड़ा सहायक होगा।